क्यों खाएगा? अगले को वर्क नहीं नजर आता, 370 रुपए में करेगा नीचे, अगर पढ़ेगा तो IAS IPS भी बन सकता है, रोजगार है, होगा महंगाई बहुत। नहीं साहब, मेरे को तो नहीं लगता। जो अगला चुनाव होगा उसको ज्वाइन कराएंगे। चुनावी मुद्दा है केवल, चुनावी मुद्दा है रोजगार। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो बार बार विपक्ष जिसको टारगेट करता है वो है रोजगार का मुद्दा, कि क्या वाकई में युवाओं को रोजगार मिला है या नहीं, क्या जनता को लगता है कि युवाओं की देश में रोजगार है या नहीं। इसी मुद्दे पर हम जनता से बातचीत करेंगे और कि रोजगार को लेकर उनका क्या कहना है। जिस तरीके से विपक्ष बार बार कहता है कि मोदी सरकार के आने के बाद रोजगार नहीं है, तो युवा क्या सोचता है कि रोजगार है या नहीं? तो वो तो कंपलसरी हमारे ऊपर, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर ऐसे दिन भर घूमता रहूँ तो ये रोजगार हुआ। अगर जाके 500 की बेलदारी भी कर लूँ कहीं भी, 8 घंटा पैसे तो मिल ही जाएंगे, बेलदारी तो कहीं भी मिल जाएगी। मेरे से बूढ़े बूढ़े इंसान जो चल नहीं पाता वो भी यहाँ पे ठेले खींच रहा है, कौन बोलता है बेरोजगारी? मतलब रोजगारी है, पॉसिबल है, पढ़ाई करो, लेके जाओ। मैं भी हूँ, गवर्नमेंट को टीचर की नौकरी कहाँ से मिलती? बीएड कंप्लीट होने के बाद ही, बीएड या तो बीडीसी। जब मेरा ग्रेजुएशन नहीं होगा तो मैं मास्टर कहाँ से बन जाऊँगा? पॉसिबल, सिंपल बन, कमाई करो भाई यार। मतलब रोजगार तो है कहीं ना कहीं। वही बात है, वो अपनी धरती माँ की बात होती है, जैसे किसान मर रहे हैं ना, बस नाम हो गया, रोजगार नहीं है, बस एक फैला हुआ है वो, रोजगार नहीं है। नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी आई ना दिल्ली में, अब दिखा दो रोजगार। रोजगार तो देखो जी है, डेफिनेटली है, क्योंकि जब से मोदी जी और जो केंद्र सरकार आई है और लोगों को काफ़ी रोजगार मिला है, चाहे किसी भी उसमें चले जाइए, क्षेत्र में, एरिए में, सबको रोजगार मिला है। शिल्पकार, छोटे छोटे जो मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिला है। तो मतलब विपक्ष केवल हवा बना रही है रोजगार? ये हवा बहुत बड़ा हुआ है, ये हवा नहीं बनाएगी तो फिर इनका तो विपक्ष इस बात का, ये हवा विपक्ष है। आप युवा हैं, क्या लगता है रोजगार है? नहीं है। क्यों नहीं? आप कुछ भी नहीं है, महंगाई इतनी कर दी है, महंगाई कहाँ, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ पे महंगाई नहीं है बताइए जरा? कांग्रेस के राज में खा रहे हो, 400 रुपए का मिल रहा था, 1200 का सिलेंडर देख रहा है, जो धुएं फूकने से इंसान को कैंसर होता था, लोग खूक खूक के मुंह से टीबी आती थी, गांव में रहो प्रॉपर गांव में, अभी जाके जो लोग फूकते हैं एक बीड़ी से कितना पॉपुलेशन होता है, होता है गाड़ी के धुएं में दिखता है, फिर भी प्रदूषण उसका बनता है ना, वो प्रदूषण का उसका कागज बनता है ना, वो लोग खोक खोक के धुएं में टीबी से मर जाएं, वो महंगाई नहीं है, फिर जाके अपना घर द्वार जमीन बेचो, फिर जाके उनका इलाज करवाओ, वो था, वो सही है। चल ठीक है, अब बताओ, हम महीने का 200 रुपये अपनी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं वो गलत है कि जाके धुएं में मरे वो गलत? जिसमें योग्यता है उसको रोजगार है, जिसको मेरे जैसे योग्यता नहीं है, मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें रोजगार कहाँ से मिलेगा मेरे को? लेकिन मोदी सरकार पर ये कहीं ना कहीं आरोप लगता जा रहा है, विपक्षी बार बार आरोप लगाते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये विपक्ष को कहना तो है ही, अब कह रहे हैं कि भी धर्म परिवर्तन कर रखा है मोदी, भारत को बांट रखा है, कहाँ बांट रखा है? मुसलमान मुसलमान तो आप कर रहे हो, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो, मोदी ने ये कहाँ से कहाँ कहा कि मुसलमान के लड़के नौकरी नहीं दी, मोदी ने दिए और मिलेगी सबको, मिल रहा है, अब झूठी को अफवाह फैलाने से क्या फायदा? मतलब रोजगार है, बिल्कुल है, नीत नहीं है किसी काम करने की तब तो रोजगार है ही नहीं, अगर काम करने की नीत है तो रोजगार है सबके पास, किसके पास रोजगार नहीं है? मैं 8 पढ़ा हुआ हूँ, आज मैं शॉप चला रहा हूँ बढ़िया बिजली की, गोगा मेडी गाँव में बढ़िया कारोबार है मेरा, तो जी मेरी काम करने की इच्छा है तो काम है, इसकी जैसे ये बोल रहा है भाई का काम नहीं है, काम इसलिए नहीं है, काम करता नहीं, सो रहा है आराम से, गुटका खा रहा, थूक रहा, ये थोड़ी है, मोदी क्या करेगा उसमें? अपने भारत का देश का नाम था क्या वहाँ, दूसरे देशों में जानता भी नहीं था कोई, आज डंका बजता मोदी जी का, और क्या है? 100 में से 70% लोग नहीं जानते हैं मोदी के पहले PM कौन था, 70% लोग, लेकिन इस टाइम में गारंटी में 100 में से 110% जानते हैं। युवा जो है अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है कहीं ना कहीं, ऑफिशियली वो है यार, मैं खुल के सबको देता हूँ, है वो, क्योंकि वो सही कर रहा है, क्योंकि और ये जो आप रोजगार होगी और कोई भी, वो तो वीकली मतलब कमजोरी हर कोई पकड़ता है, अब वो लोग तो दौड़ में पीछे हटा नहीं सकते। मोदी सरकार का जब से आई है जब से तक बेरोजगार कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है, और क्या, रोजगार नहीं दिया, कहाँ दिया, बेरोजगार कर रखा जनता को, तो कह रहे हैं रोजगार दिया ही नहीं। अंकल क्या नौकरी कर रहे हैं और कितने पढ़े हैं और नौकरी कहाँ, आप इनको नौकरी में मोदी जी ने कहाँ डिस्टर्ब, कहाँ रोजगार मिलता है पढ़ने से, लेकिन अगर आम आदमी नहीं पढ़ा हुआ तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो धक्के खाएगा, तो उसके पास और भी तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन बताओ ना, क्यों खाएगा,
हाँ बताइए अंकल, क्यों खाएगा? अगले को वर्क नहीं नजर आता, अगले को काम न, उसको सैलरी भी तो नजर आनी चाहिए चचा। 370 रुपए में करेगा नीचे, अगर पढ़ेगा तो आईएएस आईपीएस भी बन सकता है। पढ़ेगा तो आईएएस आईपीएस भी नहीं, नहीं है, नहीं है। तो जो भी वर्क कर रहे हो आप, किसी भी वर्क के अंदर हो, वो कह रहे हैं किसी भी वर्क के कोई भी वर्क करके आप पैसा कमा सकते हैं, वो भी एक रोजगारी है। 2014 में जो इनकम थी वही सेम 2023 में भी है आज, ठीक है मैडम। लेकिन कई लोग मानते हैं कि उनकी इनकम बड़ी है। अब हमें तो पता नहीं किसकी बड़ी है, हमारी तो बड़ी नहीं, हम वही मजदूरी पहले भी बड़ी है, नहीं बड़ी है। हाँ, पहले से बड़ी है। मैं राजस्थान से हूँ, वसुंधरा की सरकार में, अब कांग्रेस की सरकार है हमारे, इससे पहले वसुंधरा की सरकार थी। हमारे गोगा मेड़ी के अंदर गोगा जी का मंदिर है बहुत बड़ा, जहाँ भाजपा की सरकार ने 30 करोड़ रुपए लगाए, तो वहाँ कितने लोगों को आज रोजगार बढ़ रहा है। पहले हमारे 20 दुकानें थी, आज हमारे 469 दुकान काट कर मोदी भाजपा की सरकार ने पक्की करके दे दी। जो सुबह उठ के निकलेगा, अपने घर से नहा धो करके निकलेगा, वो रात को जाएगा तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएगा, अगर कर्म करेगा तो। कर्म ही नहीं करेगा, वो सोचे कि बीजेपी दे दे, कांग्रेस दे दे, हमारे को रोज हमारे घर में पैसा आ जाए, तो कोई नहीं देता है। इनकी बात सुनते हैं, लेकिन बिना काम किए आप कैसे कमा सकते हैं, आप कैसे रोजगार? मैडम हम काम करते हैं, 400 रुपए पर दिन मिलता है, ठीक है, उसमें फिर हमारे घर के खर्चे भी है। आप भाई साहब ने तो बोल दिया, अब 1150 रुपए सिलेंडर है, पेट्रोल है, अब ऐसा तो नहीं है पैदल जाएंगे हम, 400 रुपए में आप क्या करोगे, आप ये बता दो। वो तो मेरे यहाँ पे भी 1200 का ही आएगा, उसे जान लेते। आपको लगता है ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है मोदी सरकार? रोजगार, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, लेकिन रोजगार है मगर महंगाई बहुत। नहीं साहब, मेरे को तो नहीं लगता, जैसा बढ़ रहा है, जैसा बढ़ रहा है उसके हिसाब से दुनिया को मिल रहा है। मैं भी ले रहा हूँ, मैं भी 1265 रुपए का सिलेंडर मैं भी लेके जाता हूँ मेरे घर के अंदर, है ना। लेकिन अगर इस चीज को अपन ये सोचे कि हाँ भाई 1265 रुपए का सिलेंडर हो गया, तो ये गलत है। नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं युवाओं के लिए, तमाम बजट में भी अब जो है उसकी बात की जाएगी, तो आपको लगता नहीं कि रास्ते तो खोल दिए गए हैं ना युवाओं के लिए? मुझे तो नहीं लगता कहाँ खुले हैं रास्ते, मुझे नहीं लगता कहीं खुले हुए हैं रास्ते। क्यों नहीं लगता? है ही नहीं कहीं भी, बताओ कहाँ है, कौन से सेक्टर में है बताओ, कौन सी फील्ड में है, किस में कहाँ लिख रही है, कहाँ योजना है बताओ। अग्निपथ जो योजना आई थी उसमें भी तो कहीं भर्ती अग्निपथ खत्म, हर आदमी उस क्वालिटी में तोड़ना है, अग्निपथ में चला जाएगा, मतलब क्वालिटी, हाँ क्वालिटी होगी तभी तो अग्निपथ में जाएगा। और दूसरा जो भक्त होंगे ना अंधभक्त, हाँ भक्तों के लिए वो उसकी, हाँ बिल्कुल 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 उसमें लिखा, बिल्कुल आपकी बात तो होनी जरूरी है, उसमें क्षमता होना, आर्मी देश की रक्षा करने में क्षमता होनी जरूरी है, और कोई भी भगत और बेभक्त वाली कोई बात नहीं है उसमें। आपके चैनल के माध्यम से एक आपको कहावत कहना चाहता हूँ देश को मैं, कि हम राजस्थान में कहते हैं आगे से पाछा बोला नाम बुला लटूरा, तो आगे से पाछा भला होता है, कहीं आगा देखकर कांग्रेस को मत ले आना। हम राजस्थान में ला रखी है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं ऐसे गलती भारत ना कर दे। छोड़िए सबको, हटाइए, एक नई सोच, नई उम्मीद और नई विचारधारा को ले आइए, और नीतीश कुमार को सामने ले आइए, जो हमारे समाजवादी विचारधारा के नीतीश कुमार है उनको आगे ले आइए, सबको हटाइए। बहुत तो बिहार में रोजगार दे दिया, 10 करोड़ नहीं दे दिया है, तो होते होते दे बोले थे, हर साल बोले थे कितना देने के लिए, हर साल के लिए कितना, आप 10 साल और लेंगे क्या? अरे हर साल बोले थे मोदी जी देने के लिए, दे दिए, पहले बताइए। नीतीश को पहले चुने ना, तो 10 लाख बोले हैं देने के लिए ना, तो कितना दिन सरकार बने हुआ हुआ, दे दिए, कितना दिन बने, कितना दिन, 2020 में बनी है ना सरकार, 2020 में बनी है सरकार, तो अब दे दे, चार साल में क्या कर, चार साल में 2 लाख के आसपास तो नौकरी की मतलब वैकेंसी निकल चुकी है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे ना, तो देने के लिए तो बोले थे, देने के लिए बोले थे, तो अभी देने के लिए बोले थे, सिर्फ जुमला था क्या? अरे जुमला कुछ नहीं, जुमला था जी, होने तो दीजिए समय, कैसे नहीं मिलेगा। नहीं, मोदी सरकार में तो रोजगार के लिए अभी कटौती हुई है, और जैसे युवाओं के लिए बीजेपी में बहुत दिक्कत आई है, और विद्यार्थी के लिए बहुत दिक्कत है, और जैसे मान लें कि कांग्रेस सरकार में प्रति वर्ष रेलवे में एक साल में यानी 1 लाख वैकेंसी आती थी, इतनी भर्तियां तो वैकेंसी कहाँ रोज निकलती है, कहने की निकलती है, होती क्या है? आज बोला है हाँ वैकेंसी इतना निकल गई, और उसका एग्जाम होता तो मान लीजिए 2 साल निकल गया, और ज्वाइन करते 3 साल हो गया, फिर अगले साल वेट करते हैं कि अगले चुनाव के लिए हम
रखी, उसे मुद्दा बनाकर रख दिया गया है। जो अगला चुनाव होगा उसको ज्वाइनिंग कराएंगे। चुनावी मुद्दा है केवल, चुनावी मुद्दा है रोजगार। हम सरकार से विनती करेंगे भाई, कोई भी सरकार आए युवाओं को रोजगार दे, सबसे पहले युवा को रोजगार दे, तभी हमारे जाके। अभी देखिए, मान लीजिए कोई लड़का IIT निकालता है, अपने देश में उसको नहीं रखा जाता, दूसरे देश में चला जाता है पैसे के लिए, पैकेज के लिए। सरकार से विनती कि भाई जो IIT निकाल रहा है उसको इसी देश में रखकर कोई भी विकास दौर के लिए उसको रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर रोजगार को लेकर आरोप लगाता है वो कितने सही हैं। यहाँ तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने साफ कर दिया कि मोदी सरकार के राज में युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं कई युवा ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि रोजगार नहीं मिला। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध TV। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।